चले वापस, लेकिन अपने खबर पर हम लौटेंगे। जम्मू कश्मीर पर जो आज फैसला आया है उसको लेकर अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर अरविंद आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि एक सामंजस्य बैठाने की जरूरत है, लेकिन इशारा भी ये दे दिया है कि सरकार, ये जरूरी नहीं है कि आप हर चीज पर बैन लगा दे, सिर्फ एक बैन ही एकमात्र रास्ता नहीं होना चाहिए, आपको बताना होगा कि आप क्यों कर रहे हैं, आप आम जन को उनके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते। बिल्कुल, कोर्ट ने अपने आदेश पढ़ते ही शुरुआत में साफ किया कि इन पाबंदियों के पीछे की राजनीतिक वजहों पे हम नहीं जाएंगे, उसकी समीक्षा करना हमारा काम नहीं है। अभिव्यक्ति की आज़ादी और सुरक्षा चिंताओं के बीच टकराव रहा है और इन सब के बीच संतुलन कायम करना हमारा काम है, लोगों के अधिकार सुरक्षित रहें, ये कोर्ट का दायित्व बनता है। दो बड़ी बातें हैं कोर्ट के इस आदेश की। पहला ये कि कोर्ट ने माना कि इंटरनेट तक एक्सेस का अधिकार आर्टिकल 19 के तहत मूल अधिकार के दायरे में आता है और इस पर अगर पाबंदी लगती है तो उसके पीछे पुख्ता वजह होनी चाहिए। दूसरी बात कोर्ट ने कही कि यह अनिश्चित काल के लिए आप बैन नहीं लगा सकते, इसकी बार बार समीक्षा होनी चाहिए और इंटरनेट पर अगर बैन लगता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तीसरी बात कोर्ट ने कही कि अगर कहीं भी कोई पाबंदी लगाई गई है तो उसके कारण समेत उसके आदेश को प्रकाशित किया जाना चाहिए ताकि आम जन उस आदेश को हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सके। इसके अलावा कोर्ट ने धारा 144 को लेकर के बात की है। कोर्ट ने कहा कि आम आदमी के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन धारा 144 के जरिए नहीं किया जा सकता और अगर मजिस्ट्रेट धारा 144 का आदेश दे रहे हैं तो उन्हें सुरक्षा चिंताओं और व्यक्ति के अधिकारों के बीच संतुलन को कायम करते हुए आदेश देना चाहिए। शुक्रिया अरविंद सिंह, इससे तमाम जानकारी के लिए आपका।